हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मॉमी बेबी। दोस्तों आज हम बात करेंगे ओविलेशन के साइंस के बारे में, यानी कि आपको कैसे पता लगेगा, आपको ऐसे कौन से इंडिकेशंस देगी आपकी बॉडी, ऐसे कौन से संकेत देगी कि आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी बॉडी में ओविलेशन हो रहा है इस वक्त। सबसे पहले हम बात करते हैं ओविलेशन आखिर होता क्या है। दोस्तों ओविलेशन वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी में, यानी कि जब फीमेल बॉडी में एग यानी कि अंडा रिलीज होता है। और ओविलेशन होता कब है? ओविलेशन होता है पीरियड्स के साइकिल के मिडल में, यानी तकरीबन पीरियड्स के साइकिल के बीच के वक्त में। यानी अगर आपकी पीरियड्स की साइकिल 28 दिन की है तो तकरीबन 14वें 15वें दिन के आसपास बॉडी में एग रिलीज होता है और इसको हम कहते हैं ओविलेशन। तो दोस्तों ये जो ओविलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि जब बॉडी में एग रिलीज होता है तो वो बॉडी में सिर्फ 24 घंटे तक ज़िंदा रहता है। और ये 24 घंटे ही पूरे महीने में बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हो, क्योंकि अगर इन 24 घंटे में एग स्पर्म के साथ मिल जाए तब तो ठीक है, और नहीं मिले तो फिर वो पूरा महीना जो है वो बेकार, आपको अगले महीने फिर ट्राई करना पड़ेगा प्रेग्नेंट होने के लिए। तो यानी कि ये जो 24 घंटे हैं इसमें एग और स्पर्म मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी में इस वक्त पर ओविलेशन हो रहा है, ताकि आप उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें और उस वक्त पर आप इंटरकोर्स करके प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर सकें, ताकि एग और स्पर्म आपस में मिल जाए और प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सके। तो ये जो ओविलेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी खुद ही आपको बताएगी कि बॉडी में इस वक्त पर एग रिलीज होने वाला है या ओविलेशन हो रहा है। यानी आपकी बॉडी कुछ ऐसे संकेत देगी आपको जिससे आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि इस वक्त पर बॉडी में एग रिलीज होने वाला है या ओविलेशन होने वाला है, तो इस वक्त पर हमें इंटरकोर्स करना चाहिए जिससे कि हम प्रेग्नेंट हो सकें। तो ऐसे कौन से संकेत हैं, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, ताकि हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से जान सकें और हमें पता लग सके कि इस वक्त पर हमारा एग रिलीज होने वाला है, उस टाइम को हम पकड़ सकें और उस वक्त को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो बात करते हैं हम ऐसे संकेतों के बारे में या साइंस के बारे में जो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में इस वक्त पर एग रिलीज हो रहा है या ओविलेशन होने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं साइंस ऑफ ओविलेशन के बारे में। तो सबसे पहला साइन है ओविलेशन का सर्वाइकल म्यूकस, यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो ओविलेशन के टाइम पर ही आप अपना वजाइनल डिस्चार्ज देखेंगे कि वो किस तरीके का है। आपको अपने पीरियड्स की साइकिल के पहले दिन से ही इसको ऑब्जर्व करना शुरू करना है, तभी आप ये जान सकोगे कि उसमें किस किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं आपकी पूरी पीरियड्स की साइकिल में। तो जब ओविलेशन होने वाला होता है आप नोटिस करोगे कि जो सर्वाइकल म्यूकस है यानी कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है क्वांटिटी में, और वो काफ़ी स्लिपरी सा हो जाता है, बिल्कुल एग वाइट यानी कि अंडे का जो सफ़ेद पार्ट होता है जब आप कच्चा अंडा तोड़ते हैं और उसका जो सफ़ेद पार्ट होता है बिल्कुल वैसा सा आपको फील होगा। अगर आप उसको दो उंगलियों के बीच में फील करोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेची हो जाएगा, यानी कि जब आप दो उंगलियों के बीच में उसे लोगे और उसे स्ट्रेच करोगे तो एक बहुत लंबा सा थ्रेड बनेगा, यानी कि बिल्कुल स्लिपरी हो जाएगा, लंबा सा थ्रेड बनेगा, स्ट्रेची हो जाएगा और एग वाइट की कंसिस्टेंसी का होगा और काफ़ी बढ़ जाएगा मात्रा में। तो ये साइंस हैं आपके सर्वाइकल म्यूकस के या फिर वजाइनल डिस्चार्ज के जो आपको बताते हैं कि इस वक्त पर ओविलेशन हो रहा है। अब ये जो स्ट्रेची हो जाता है इस टाइम पे सर्वाइकल म्यूकस या वजाइनल डिस्चार्ज, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ओविलेशन के टाइम पर अगर आप इंटरकोर्स करते हैं और जो स्पर्म है वो आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो ये जो सर्वाइकल म्यूकस बहुत स्ट्रेची हो जाता है, ये स्पर्म को एग तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इस वजह से जो है बॉडी में इस तरीके के चेंजेस आते हैं। दूसरा जो साइन है वो है बेसल बॉडी टेम्परेचर। अब बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, ये भी आपको पीरियड्स के
पहले दिन से ही अपनी बॉडी में नापना शुरू करना है, डेली आपको इसको नापना है, और कहीं आप इसको डायरी में नोट डाउन करिए, आप नोटिस करोगे। अच्छा, सबसे पहले बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो होता क्या है, वो होता है आप जैसे ही सोकर उठते हैं, बस बेड से आप नीचे भी नहीं उतरेंगे, आपको अपना टेम्परेचर चेक करना है, अपना बॉडी का जो तापमान है वो चेक करना है, और आप जब उसको चेक करोगे तो डेली आपको उसे डायरी में लिखना है। आप नोटिस करोगे कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ओविलेशन के टाइम पे नॉर्मली से 1 degree Fahrenheit तक बढ़ जाएगा, और ये आपके पीरियड स्टार्ट होने तक बढ़ा रहेगा। तो अगर आप इसको डेली नोट करेंगे और पीरियड्स के पहले दिन से नोट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि अब मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि इस टाइम पर मेरी बॉडी जो है वो ओविलेट कर रही है, यानी कि एग रिलीज करने की तैयारी कर रही है। अगला जो साइन आता है वो है सर्वाइकल पोजिशन। दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप पीरियड्स के पहले दिन से ही अपने सर्विक्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि ओविलेशन के टाइम पे जो सर्विक्स है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है टच करने में, और वो खुल जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है। वो ओपन इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त पर स्पर्म को बॉडी में एंटर करने के लिए वो जगह देता है ताकि वो एग के साथ जाकर मिल सके। तो अगर आप सर्विक्स को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे पीरियड्स के पहले दिन से, तो आप ये चेंजेस उसके अंदर नोट कर सकते हैं, और इससे भी आपको पता लग सकता है कि अब बॉडी जो है वो एग रिलीज करने वाली है या ओविलेट करने वाली है। अगला जो संकेत आता है वो है पेन इन पेल्विस, यानी कि लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में थोड़ा सा आपको पेन फील होता है जब आपका एग रिलीज हो रहा होता है या जब ओविलेशन हो रहा होता है। क्या होता है दोस्तों कि हमारी बॉडी में एक महीने लेफ्ट साइड से एग रिलीज होता है, लेफ्ट ओवरी से, और अगले महीने जो है वो राइट साइड से, यानी कि राइट ओवरी से एग रिलीज होता है। तो जब ओविलेशन हो रहा होता है या जब एग रिलीज हो रहा होता है तो आपको स्लाइट पेन जो है वो फील हो सकता है लेफ्ट पेल्विस में या राइट पेल्विस में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पेन फील हो, बट किसी किसी को ये जो साइंस हैं वो बॉडी में फील होते हैं, और हर एक किसी की इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, यानी किसी को थोड़ा पेन फील होता है, किसी को ज़्यादा पेन फील होता है, बट ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है ओविलेशन का। अगला जो संकेत आता है वो है ब्रेस्ट टेंडरनेस। आप नोटिस करेंगे कि ओविलेशन के टाइम पे जो ब्रेस्ट हैं वो काफ़ी टेंडर और स्लाइटली पेनफुल आपको फील होगा, ये भी एक साइन है ओविलेशन का। अगला जो संकेत आता है वो है स्पॉटिंग या स्लाइट ब्लीडिंग। दोस्तों, किसी किसी में ओविलेशन के टाइम पे स्लाइटली स्पॉटिंग या स्लाइट ब्राउन डिस्चार्ज या बहुत स्लाइट ब्लीडिंग जो है, इस तरीके के साइंस भी जो है बॉडी देती है, उससे पता लगता है कि इस टाइम पर एग रिलीज हो रहा है या ओविलेशन हो रहा है। अगला जो साइन आता है वो है लिबिडो चेंजेस। आप नोटिस करेंगे कि ओविलेशन के टाइम पे या जो बॉडी में एग रिलीज हो रहा है उसके टाइम पे फीमेल बॉडी में लिबिडो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी कि जो डिज़ायर है, जो ड्राइव है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो ये भी एक साइन है ओविलेशन का। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट जो साइन है वो है कि अगर आप ओविलेशन प्रिडिक्टर किट यूज़ करते हैं तो आपको वो पॉजिटिव टेस्ट देगा ओविलेशन के टाइम पे। ओविलेशन प्रिडिक्टर किट अब भी सिंपल प्रेगनेंसी किट की तरह, प्रेगनेंसी टेस्ट किट की तरह ही होती है। उसमें भी आपको यूरिन जो है उसका यूज़ करना होता है, और ड्रॉपर से आप उसको उसके अंदर जब यूज़ करेंगे तो आपके उसमें पिंक लाइन्स आएंगे, 2 pink lines आएंगे, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में ओविलेशन होने वाला है। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर वो आपको पॉजिटिव टेस्ट देता है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में इस वक्त पर एग रिलीज होने वाला है और ओविलेशन होने वाला है। ये ईजिली आपको मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर, या आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है आपको ये बताने में कि इस वक्त पर बॉडी में ओविलेशन होने वाली है। तो दोस्तों, ये थे ओविलेशन के साइंस। आप इसको अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी में ये सब चीज़ें नोटिस करना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए, और जब आप साइकिल के शुरू से ही ये सब चीज़ें अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा, या आपको पता लगना स्टार्ट हो जाएगा कि बॉडी में कब
किस वक्त पर एग रिलीज हो रहा है, और अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो उस वक्त पर आप इंटरकोर्स ज़रूर करें, जिससे कि एग और स्पर्म उन इम्पॉर्टेंट 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो मिले और उसकी वजह से प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सके। तो दोस्तों, अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, और नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दीजिए। उसके साथ में बेल बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और कोई भी मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलती हूं मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ फ्रॉम मॉमी बेबी।